बहुत लोगों ने गोली चलाया, माफिया लोग लगे, कई लोगों बदनाम करना चाहा, फिर भी काम करते रहे। इस तरह से आप एक अच्छा सिपाही बनिएगा, एक अच्छा दरोगा बनिएगा। बहुत लोग आपको फंसाएंगे, टॉर्चर करेंगे, आप सोचिएगा कि हमारी प्रशंसा हो, लेकिन आपकी बेइज्जती करवाने का प्रयास किया जाएगा। फिर भी तमाम संघर्षों को अगर आप उससे मुकाबला करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हुए अपना अच्छा काम करते हैं, तो एक दिन जरूर आएगा कि मुझे भी गर्व होगा कि ये वही सिपाही है, वही दरोगा बच्चा है जो पटना हाई स्कूल में मिला था, और मैं लोगों से आपकी तारीफ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजक मोनू बाबू और सूरज जी, आज बच्चों हमको बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर, और हमारे नौजवान साथियों को देखकर कि आप लोगों में जो जोश है, जो उत्साह है, इसको देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाएंगे। कल रात हमारे यहाँ दो जैपनीज आए हुए थे और दोनों जैपनीज काफी डरे हुए थे। अब भाई क्यों डरे हुए, बिहार में आके क्या यहाँ के बारे में सुन के आप डरे? बोला नहीं, यहाँ के बारे में सुन के ये डर पैदा हुआ कि यहाँ के नौजवान साथी, यहाँ के बच्चे इतना मेहनती हैं, इतना लगनशील हैं कि पूछिए मत। जापान में तो इतनी सुविधाएं हैं, इतने आईपैड आईफोन क्या नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप की बच्चा पढ़ता ही नहीं, तुरंत कैलकुलेटर पर चला जाता है, तुरंत गूगल पर चला जाता है, लेकिन यहाँ के बच्चे गजब है। सुना है कि आप सुना है, लेकिन देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज मुझे जानकारी नहीं थी, कल रात जब लोग फाइनल किए, अगर रहता तो हम वो दोनों को लेके आते, आज वो लोग निकल रहे हैं चाणक्य होटल में रुके हुए। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे ऐसे हैं, यहाँ के हमारे नौजवान साथी ऐसे हैं कि छोटे छोटे गांव में रहते हैं, छोटे छोटे जगहों पर रहते हैं, पैसे का अभाव रहता है, फिर भी धारा के विरुद्ध बहते हुए कठिन परिस्थितियों में भी हवा का रुख बदलते हैं और पत्थर का सीना तोड़ के दिखाते हैं। तो नौजवान साथियों, आप हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा बच्चों कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचिएगा, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ बल्कि अपने अनुभव को आपसे शेयर कर रहा हूँ, हमेशा सोचिएगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बार आदमी सोचता है कि अरे मैं कांस्टेबल बन गया, मैं क्या परिवर्तन ला दूंगा, देश की कमान बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के हाथ में है, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस है उनके हाथ में, मैं दरोगा, मैं क्या परिवर्तन ला दूंगा। ऐसा कभी नहीं सोचिए। हमारे पिताजी एक फार्मूला सिखाए थे कि बेटा जिस पद पर हो, जिस जगह पर हो, उसमें तुम पूरी ताकत लगाओ और द बेस्ट करो, एक न एक दिन तुम थोड़ा सा चेंज जरूर। अपने जान के परवाह किए बगैर अगर सबकी सुरक्षा करता है, सबको हिम्मत बढ़ाता है, सबकी मदद करता है, तो उसको दुनिया जरूर याद रखेगी। दोस्तों, मेरे पास कोई खास डिग्री नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद फिल्म में देखे हैं, जानकारी है, मैं कैम्ब्रिज नहीं जा सका, तो वही पढ़ाई रुक गई, पापड़ वगैरह बेचने लगा। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि इसी स्कूल में हम क्लास सिक्स से लेकर टेंथ तक इसी बिल्डिंग में पढ़ते थे, इसी मैदान में खेलते थे, बहुत लग रहा है, आज तो लग रहा है कि हम अपने स्कूल ही आए हैं, अपने पढ़ने आए हैं। सुबह सुबह उठते थे तो जल्दी जल्दी ब्रश करते थे और पैदल आते थे यहाँ से कोई 6-7 किलोमीटर दूर चांदपुर बेला मीठापुर से। हमारे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, और मुझे याद है कि सामने वाली सड़क से आते थे दोस्तों तो टन 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 टन, कभी कभी लेट हो जाने पर घंटी सुनाई देती थी, उस समय घंटी बजाने वाला टन टन, तो घंटी की आवाज सुन के पूरी तेज से हम लोग 5-6 बच्चे जो भी लेट हो रहे होते किताब के लिए, बैग नहीं होता था, हाथ में किताब लेते थे, दौड़ जाते थे पूरी ताकत से। तो आज वही दौड़ फिर से देखने का यहाँ मौका मिलेगा वही स्कूल पे, हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए जैसे ही पता चला कि आप जैसे नौजवान उत्साही विद्यार्थी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ आया, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप यहाँ से पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज गए, ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ाई नहीं हुई, तो क्या कि आपको बहुत बड़ा रिसर्च करके बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं बनाया,
बल्कि प्लस टू के बच्चों को, जो गांव के बच्चे, देहात के बच्चे, जो बहुत कुछ करना चाहते थे, जैसे आप लोग सब उत्साही आदमी है, अगर आप में उत्साह नहीं होता, अगर आप में उम्मीद नहीं होती तो यहाँ सुबह सुबह नहीं पहुँचते। तो सबसे पहला साइन है कि आप लोगों में कुछ बड़ा करने का लक्षण है, बड़ा करने की कोई तत्परता है, वो क्वालिटी जो गुण चाहिए वो है। तो बच्चों, हम लोग प्लस टू के बच्चों को पढ़ाया, प्लस टू के बच्चों को पढ़ाया और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाया। बहुत लोगों ने गोली चलाया, माफिया लोग लगे, कई लोगों बदनाम कर बचा, फिर भी काम करते रहे। इस तरह से आप एक अच्छा सिपाही बनिएगा, एक अच्छा दरोगा बनिएगा। बहुत लोग आपको फंसाएंगे, टॉर्चर करेंगे, आप सोचिएगा कि हमारी प्रशंसा हो, लेकिन आपकी बेइज्जती करवाने का प्रयास किया जाएगा। फिर भी तमाम संघर्षों को अगर आप उससे मुकाबला करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हुए अपना अच्छा काम करते हैं, तो एक दिन जरूर आएगा कि मुझे भी गर्व होगा कि ये वही सिपाही है, वही दरोगा बच्चा है जो पटना हाई स्कूल में मिला था, और मैं लोगों से आपकी तारीफ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आज आनंद सर आए थे बिहार पुलिस फिजिकल ग्राउंड गर्दनी भाई पटना, जिनके ऊपर एक फिल्म बना है सुपर 30, वो यही सर हैं, आनंद सर।